अब बात माघ मेले की करते हैं जो इस बार 14 जनवरी से शुरू हो रहा है। माघ मेले का समापन 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान के साथ होगा। इस दौरान माघ मेले में 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस साल के माघ मेले की खास बात यह है कि इसका आयोजन महाकुंभ के ट्रायल के तौर पर होगा। संगम के किनारे कल्पवासियों के लिए तैयार हो रहा तंबुओं का शहर, बनाए जा रहे हैं पांटून पुल, तैयार किए जा रहे हैं रास्ते, लाइट और सुरक्षा का भी किया जा रहा इंतजाम। ये सारी तैयारी है 14 जनवरी से तीर्थराज प्रयाग में शुरू होने जा रहे पवित्र माघ मेले की, जो ये बताने के लिए काफी है कि इस साल का माघ मेला पहले से कहीं ज्यादा भव्य होने जा रहा है। माघ मेला के शुरू होने में महज चंद रोज ही बाकी हैं। ऐसे में स्नान से पहले सभी कामों को वक्त पर पूरा करने के लिए सैकड़ों मजदूर और प्रशासन की टीमें इन दिनों रात दिन जुटी हुई हैं। संगम नगरी प्रयागराज में हर साल लगने वाले धार्मिक सालाना मेले माघ मेले की शुरुआत यहां पर तेजी से हो रही है। प्रयागराज में ये पार्टून पुल बनाए जा रहे हैं और ये पार्टून पुल 6 पार्टून पुल बनाए जाएंगे, जिसमें आने जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये पूरा मेला 768 हेक्टेयर में होगा और 2024 के माघ मेले को पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री घोषित कर दिया गया है। इस साल माघ मेले में पहला स्नान 15 जनवरी को किया जाएगा, दूसरा स्नान 25 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर होगा। इसी दिन से कल्पवास की शुरुआत होगी। वहीं माघ मेले का तीसरा स्नान 9 फरवरी को मौनी अमावस्या पर होगा, जबकि चौथा स्नान वसंत पंचमी के दिन 14 फरवरी को होगा। पांचवा स्नान माघ पूर्णिमा के दिन 24 फरवरी को होगा, जबकि 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर माघ मेले का आखिरी स्नान किया जाएगा। वहीं मेला प्राधिकरण के मुताबिक इस साल मेले को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए साधु संतों से लेकर आम श्रद्धालुओं तक को प्लास्टिक की जगह दोना, पत्तल और कुल्हड़ का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा पीने के पानी के लिए भी मेला क्षेत्र में वाटर एटीएम की सुविधा भी इस बार मौजूद रहेगी। नगर निगम के साथ मिल करके के हम लोग जो एक प्लास्टिक मुक्त का अभियान भी चला रहे हैं, साथ में हमारे साधु संतों से भी अनुरोध है। सुविधा पर्चियों पे भी हम लोगों ने अपील जारी किया है कि थर्माकोल और प्लास्टिक का प्रयोग न किया जाए। प्लास्टिक के विकल्प के रूप में हम लोगों द्वारा मेला क्षेत्र में दोना, पत्तल और कुल्हड़ का प्रयोग करने के लिए दुकानदारों को आमंत्रित किए हैं, जो यहाँ पे उनकी सुविधा रहेगी। सभी साधु संत और जो भंडारा चलाने वाले लोगों से अनुरोध रहेगा कि उनसे लेकर के अपने प्लास्टिक मुक्त मेला बनाने का प्रयास करें। चूंकि आगामी महाकुंभ 2025 लगने वाला है, तो उसके दृष्टिगत रखते हुए भी उसका एक ट्रायल के रूप में भी देखा जा रहा है। कुछ नवाचार जो उसमें होने वाले हैं उसका एक थोड़े पैमाने पर इसमें नवाचार कर लिया जाए, जैसे बिजली का सोलर हाइब्रिड लाइट है, वाटर एटीएम है और अन्य चीज। आस्था के इस माघ मेले का इंतजार साधु संतों को ही नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं को भी रहता है, जो करीब 1.5 महीने तक संगम की इस रेती पर स्नान दान और पूजा पाठ करते हैं और पुण्यकारी फलों की प्राप्ति के लिए कठिन साधना करते हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।